यूक्रेन और जिस तरह से रूस के बीच में लड़ाई चल रही है, लेकिन जिस तरह से अब जो है भारतीय जो छात्र हैं उनका वापस आने का दौर शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ से जो छात्र यूक्रेन पढ़ने गए थे वो भी वापस लौटे हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है कुछ छात्र। सबसे पहले तो आपका नाम बताएंगे क्या? शमशी फिरदौस जी। जिस तरह से आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या सिचुएशन थी वहाँ पर? सबसे पहले तो आप यहाँ पहुँचे, हमें भी खुशी मिल रही है, आप आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है घर आके वापस जी। क्या सिचुएशन है अभी वहाँ पर? क्या सिचुएशन? ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं जिस स्टेट में हम थे, बाकी अदर जो स्टेट्स हैं ना वहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब है। लाइक ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूक्रेन वो जो है वो पूरा ही ख़त्म हो चुका है जी। तो हाँ, आप लोग वहाँ पे क्या स्टडी आप करने के लिए? मैं MBBS के लिए गई हूँ। तो अभी आपका कौन सी ईयर में? आप फर्स्ट ईयर बेसिकली आप हैं। छत्तीसगढ़ से कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ भिलाई। तो अभी क्या लग रहा है कि जो बच्चे वहाँ पर छत्तीसगढ़ के, कितने बच्चे होंगे अभी आपको क्या लग रहा है? मेरे को इससे कोई आइडिया नहीं है कितने बच्चे हैं वहाँ पे। बीच में कुछ लगा MBC को लेकर कुछ चीज़ें आई थी कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था, कई वीडियोस ऐसे आ रहे हैं, क्या लग रहा है? कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था और अभी भी नहीं हो पाया है, क्योंकि कीव में जो हमारी सीनियर है 3rd ईयर के वो फंसे हुए हैं, वो बंकर्स में अभी तक 3-4 दिन हो गया, उनको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा। उनकी ट्रेन बीच में रोक दी गई थी और वो तब से वहीं के वहीं ही है। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई आप लोग की? जी, उन्होंने यही कहा है कि हम अपने तरफ से बेस्ट करेंगे बच्चों को वापस लाने के लिए। परिवार के कुछ सदस्य मौजूद हैं, आपकी बेटी है, जी, कैसा लग रहा है ये? जी सर, अभी तो हम अंदर से बहुत ही खुश हैं और आगे भी सोचते हैं कि बच्चे सब अच्छे सेफ रहें और वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको भी हिफाजत की जाए और जितनी जल्दी हो सके उनको रेस्क्यू करके यहाँ बुलाया जाए, प्लेन अपने वहाँ बढ़ाया जाए जिससे बच्चे जल्द अपने मुल्क पहुँचाएँ। देख सकते हैं यहाँ पर जो है बहुत सारे छात्र पहुँचे हैं, और भी छात्रों से हम बात करने की कोशिश करेंगे क्या सिचुएशन रही, किस तरह की स्थितियाँ थी, क्योंकि अलग अलग जो है लोग पहुँचे हैं जिस तरह यहाँ से हैं। आप सबसे पहले तो आपका नाम बताएंगे, क्या नाम? जी, मेरा नाम आस्था सिंह है और मैं रायपुर से हूँ। जी आस्था, क्या सिचुएशन रही वहाँ पर अभी आप पहुँची? सबसे पहले तो कैसा लग रहा है यहाँ पर? जी, मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, घर पहुँच के मैं काफ़ी सेफ फील कर रही हूँ। जी, क्या सिचुएशन है अभी वहाँ पर? क्या जी, ईस्टर्न यूक्रेन की हालत काफ़ी ख़राब है, वेस्टर्न यूक्रेन की हालत मतलब वैसे तो ठीक है, पर हो सकता है कि वहाँ पर भी अटैक हो। जी, आप जहाँ पर रुकी थी वहाँ पर क्या सिचुएशन है? वहाँ की अभी सिचुएशन तो ठीक है, लोग मतलब कोशिश कर रहे हैं कि वापस घर आएं, डर का माहौल तो बना हुआ है स्टूडेंट्स के भीतर। जी, जिस तरह से वहाँ पर हमला हुआ, और क्या आप लोगों को जानकारी थी कि नहीं थी कि अचानक वहाँ पर? नहीं, अचानक से हमला हुआ, हम सुबह सुबह उठे तो हमें खबर पड़ी कि कीव में अटैक हो गया, खार्किव में अटैक हो गया, और हम जल्दी जल्दी पैक करना शुरू कर दिए और एम्बेसी से मदद मांगने की कोशिश की। जी, अभी आप मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई आपकी दिल्ली में, क्या जी? मुख्यमंत्री को हमने बहुत धन्यवाद दिया कि उन्होंने हमें दिल्ली से यहाँ तक पहुँचाया, और साथ में हम उनसे बताए कि हमें क्या क्या चाहिए, जैसे कि फ़्लाइट्स के नंबर बढ़ा देने चाहिए और दूसरा कि जल्द जल्दी उनको बॉर्डर पहुँचा देना चाहिए बच्चों की, क्योंकि वो काफ़ी डरे हुए हैं और साथ में उनको खाने पीने की भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बंकर में हैं, कई वीडियो आ रहे हैं, वो कहाँ का दृश्य? जी, वो खार्किव और कीव का दृश्य है, काफ़ी बच्चे फंसे हुए हैं, उनकी जल्द जल्दी मदद करनी चाहिए सरकार को। अभी आप क्या पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई आगे की अब कैसे आप? जी, मैं फर्स्ट ईयर की मेडिकल स्टूडेंट हूँ और अभी हमारी क्लासेस तो ऑनलाइन चलेगी, पर अब सिचुएशन देखते हैं कि क्या होने वाला है। कुछ पेरेंट्स भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आपकी बेटी पहुंची है, कैसा महसूस कर रहे हैं? आस्था सिंह है, बच्ची पहुंची अभी और अच्छा लगा, शासन ने व्यवस्था किया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी व्यवस्था किया, वहां दिल्ली तक लाया, और आपका छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भी हेल्प किया और जो नोडल अधिकारी बनाए हैं वो वहाँ से ले के आए छत्तीसगढ़ भवन में और वहाँ पर व्यवस्था किया खाने पीने की और रायपुर तक भिजवाए, ये हम गवर्नमेंट का धन्यवाद करते हैं। दिन गुजर रहा था सर, चूंकि एकदम बहुत चिंता का और हम दृश्य देख रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम लोग भारी चिंतित थे और कैसे करके बच्ची आने का हुआ तो अच्छा लगा, लेकिन साथ में शासन से ये भी निवेदन है कि जो बच्चे वहाँ भी फंसे हुए हैं, खासकर जो कीव में और खार्किव में जहाँ बहुत ज़्यादा गोलाबारी हो रही है, वो बंकर में बच्चे फंसे हुए हैं और उनको खाने पीने की दिक्कत हो रही है, क्योंकि बाहर का पूरा मार्केट बंद है वहाँ, और चार दिन तो ये युद्ध हुए, चार के पहले से भी वो वहाँ स्थिति खराब थी, तो 4-5 दिन से उनको कैसे भी करके लाया जाए, क्योंकि वो बच्चे बहुत परेशान हैं और खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और बाकी तो भयभीत ही हैं और माता पिता बहुत परेशान हैं। हाँ, और भी कुछ छात्र हैं, उनसे भी बात करेंगे, जिस तरह से वहाँ स्थितियाँ थी, आप लोग पहुँचे हैं अभी, कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ की अच्छा लग रहा है, बट अपन जहाँ पे थे उजहरोद सिटी में वहाँ सेफ था, क्योंकि वेस्टर्न साइड पे जो क्यू और खार्किव में फंसे हैं उन लोग को ज़्यादा तकलीफ है, तो उनको जल्दी से जल्दी निकल। तो
आप लोग अभी कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ के महासमुंद डिस्ट्रिक्ट से। महासमुंद से आप? हाँ, महासमुंद से। तो क्या किस तरह से अभी क्या लग रहा है सिचुएशन वहाँ पे? बहुत सारे बच्चे यहाँ बता रहे हैं, कितने बच्चे होंगे छत्तीसगढ़ के वहाँ? छत्तीसगढ़ के लगभग 500 बच्चे होंगे, और क्या बोलते हैं क्यू लवीव क्यू में जब फंसे हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन लोग को जल्दी से जल्दी बाहर निकाले। तो देख सकते हैं यहाँ पर सभी छात्रों का जो कहना है कि कीव में जो बच्चे हैं, जो सबसे गंभीर क्षेत्र है जहाँ पर हमला हुआ है, जो बच्चे बंकर में फंसे हुए हैं, उनसे जो है उनकी स्थितियाँ बहुत गंभीर है। तो उसे को लेकर जो है उन्होंने सरकार से भी मांग किया कि उस पर ध्यान दिया जाए। जो बच्चे बंकर में फंसे हैं उन्हें भोजन भी नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के जो बच्चे थे आने का सिलसिला उनका जारी हो गया है। परिवार के लोग तो खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी चिंता बनी हुई है कि छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं वहाँ पर फंसे हुए हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द निकालने की, वहाँ से वापस लाने की मांग की जा रही है। सिद्धार्थ श्रीवासन, ETV भारत, रायपुर।